आज चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह पर लैंड करेगा, किस तरीके से देखते हैं भारत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। देखिए, निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, वर्तमान की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए ये बहुत ही गौरव के क्षण है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा जो चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर लैंडिंग हो रहा है, तो निश्चित रूप से बड़ा अचीवमेंट ये पूरे देश के लिए है और पूरी दुनिया इसको बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से देख रही है। हम अमेरिका, जापान, चीन, इन सब के सामने उनकी बराबर की श्रेणी मात्र क्यों पड़े, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे मैं यहाँ लखनऊ का जो सबसे नंबर वन स्कूल है सिटी माउंटेन स्कूल, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ के बच्चों के साथ मुझको भी चंद्रयान 3 को लैंडिंग को देखने का मौका मिलेगा और बच्चों के साथ एंजॉय भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे और बच्चों के साथ बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। मुझको लगता है कि बहुत ही शानदार। मैं सारे वैज्ञानिकों देश भर के इसरो के वैज्ञानिक बधाई देता हूँ और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने बहुत वैज्ञानिक को मोटिवेशन किया। जब हमारा चंद्रयान 2 था, जब विफल हुआ, तब उन्हीं प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को गले लगा करके उनकी पीठ थपथपाने का काम किया। बहुत ही भावुक क्षण थे कि जब वो हमारा फेल हो गया प्रोजेक्ट, तो आज वो निश्चित रूप से चंद्रयान लैंडिंग हो रहा है तो बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से मोटिवेशन की, उनके मार्गदर्शन के लिए उनका बहुत बधाई है और मुख्यमंत्री जी को बधाई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के अंदर सभी बच्चों को कहा है, सभी स्कूलों से रिक्वेस्ट की है कि सभी विद्यालय अपने बच्चों प्रोजेक्टर लगा करके अपने बच्चों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाएं। ये भी बड़ा अचीवमेंट है, यानी मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि बच्चे हर चीज़ से नॉन हो, हर चीज़ को जानकारी हो, वो लेटेस्ट जितनी इवेंट्स हैं उन सबकी जानकारी बच्चों को हो, तो मुख्यमंत्री जी को बधाई। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है और यूरोपियन कंट्रियों के बराबर खड़ा हो रहा है, किस प्रकार से भारत के इस वैश्विक स्तर को देखते हैं? चाइना, जापान, अमेरिका, उनके बराबर मां के खड़े हो गए, ये बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। जैसे भारत को अभी लोग कुछ मानते नहीं थे, पर मात्र 9 वर्ष की उपलब्धि अगर प्रधानमंत्री की गिनवाई जाए तो अंतरिक्ष में भी हम नंबर वन हैं, हम धरती पर भी नंबर हैं, हम सुरक्षा में भी नंबर हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नंबर वन हैं और पूरी दुनिया में भारत का एक सम्मान बड़ा है। और इस घटना के बाद हम खगोलीय स्तर पर भी दुनिया के नंबर 1 के देशों में शामिल है। धन्यवाद।